चलिए लास्ट टाइम हमने इम्यून सिस्टम का स्पोरोफाइट, देन उसका गैमेटोफाइट, एंथेरिडियम डेवलपमेंट, आर्किगोनियम डेवलपमेंट, स्पोरेंजियम डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसका टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट हमने पढ़ा था जो कि एंथेरिडियम होता है, मल्टीफ्लेजिलेट होता है, और फीमेल गैमेट एक सेल। ये आर्किगोनियम है, उसकी ये नेक है, इसका निचला खुला हुआ भाग वेंटर कहलाता है। यहां पर जो नेक कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, विघटित हो जाती है, और इनके विघटित होने से एक केमिकल बनता है दैट इज मेलिक एसिड। और ये केमिकल क्या करता है, जो हमारा एंथेरोसोइट से है उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब एक कीमोटैक्सिक मूवमेंट है ये। तो एंथेरोसोइट अब कहां पर हमारे आर्किगोनियम की नेक के अंदर प्रवेश करता है बाय द अट्रैक्शन ऑफ केमिकल दैट इज मेलिक एसिड, और इसको पार करते हुए ये अंततः अंडकोशिका तक पहुंचता है और इसे एंथेरोसोइट का नर केंद्र और एग सेल का नर केंद्र उसके मिलने से भ्रूण की प्रथम कोशिका बनती है जिसको हम जायगोट कहते हैं। चलिए तो ये मान लो जायगोट है। जायगोट कैसा होता है, विभाजित होता है, डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि ये नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बना है। अब हम फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिससे दो कोशिकाएं, एक ऊपर की ओर एपिकेशन से जिसको हिंदी में कहते हैं अध्याधर कोशिका, और नीचे की ओर एक सेल बनती है जिसको कहते हैं हाइपोबेसल सेल, इसको हिंदी में कहते हैं अध्याधर। तो ये दोनों ही कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है। हम देखेंगे आसमें जैसे सिले जिलेना में निलंबक बनता सस्पेंसर, ऐसा इसमें कुछ नहीं बनता, ये दोनों ही कोशिकाएं पुनः विभाजित होती है जिससे एक चार कोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है, इस तरह से 1 2 3 4 चार कोशिकीय अवस्था बनती। अब जो एपिबेसल सेल है वो अपने ऊपर की ओर भी पुनः चार कोशिकाएं बनाती है, और जो हाइपोबेसल सेल है वो भी नीचे की ओर कुल चार कोशिकाओं का निर्माण करती है इस तरह से। तो ये बहुकोशिकीय अवस्था बन जाती है इस तरह से, ये वाला भाग एपिबेसल सेल से बना, ये वाला भाग नीचे वाला हाइपोबेसल सेल से बना। नाउ खास बात ये है कि इसके ऊपरी भाग में कोई एक कोशिका शूट इनिशियल की भांति कार्य करती है, या एपिकल सेल जो किसको विकसित करेगी, शूट को, एपिकल सेल ऑफ शूट की भांति कार्य, और नीचे की कोई भी एक कोशिका जो सबसे बड़ी होती है वो कार्य करती है रूट इनिशियल की तरह। मतलब ये तो मूल आरंभिक कोशिका की भांति कार्य करती है जिससे मूल बनेगा, ये शूट प्ररो आरंभिक कोशिका की भांति कार्य करती है जिससे वाई बी ए प्ररो का निर्माण होगा। अन्य ये जो कोशिकाएं हैं
ये वाली, ये काम करती है लीफ इनिशियल, मतलब इससे पत्तियों का विकास होगा। और यहां पर ये जो अन्य कोशिकाएं हैं वो फूट का निर्माण है ना, तो इससे अल्टीमेटली एक अनियमित आकार का इस तरह से प्रोथेलस से एक ऐसी द्विगुणित संरचना बन जाती है, नीचे की तरफ राइजोइड्स होते हैं और इसके ऊपर की तरफ एरियल एक्सिस का विकास होता है। तो इस तरह से इसके नई जनरेशन या स्पोरोफिटिक जनरेशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इक्विसीटम में भ्रूण का विकास। मैं रिपीट करता हूं, अनुप्रस्थ विभाजन युग्मनज में होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक एपिबेसल सेल एक हाइपोबेसल सेल, दोनों में विभाजन होता है, कुल चार कोशिकाएं बनती है, चार से आठ कोशिकाएं बनती है, आठ से एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। ऊपरी वाले भाग में कोई एक सबसे बड़ी कोशिका एपिकल सेल की तरह कार्य करती है जिससे शूट बनता है, नीचे की एक कोशिका रूट इनिशियल की भांति कार्य करती है जिससे रूट डेवलप होती है, शेष ऊपर की कोशिकाएं से पत्तियों का विकास होता है और नीचे की शेष कोशिकाओं से फूट अथवा पाद का विकास होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ इक्विसीटम। अब हम अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें, ये आपने बना लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इक्विसीटम की लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो वही जनरल डायग्राम है जो दूसरे सभी कैरियोफाइट्स में बनता है।